Hello and welcome back to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself Karthik Sudhar from Automobile Engineering Department. आज हम बात करेंगे vehicle dynamics के अंदर जो हमारा टॉपिक है ब्रेक प्रपोजनिंग उसके बारे में. ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो ब्रेकिंग करने के वक्त आपका जो वेट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका ट्रांसफर होने वाला है. ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल वेट ट्रांसफर जिसको हम बोलते हैं. तो फ्रंट एक्सल लोड है वहां पे ब्रेकिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट अलग होगी, रियर में अलग होगी. इसके अलावा डिफरेंट कंडीशन है आपकी ड्राइव करने की, मतलब आप कभी ऑफ रोड कंडीशन में जा रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो, टर्निंग में आप ब्रेक कर रहे हो. तो हमेशा जो है फोर व्हील्स जो आपके चारों व्हील पे जो हमको कंट्रोल करना है. ठीक है, तो वहां पे ब्रेकिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है. तो ब्रेक प्रपोजिंग मतलब क्या है कि जो प्रेशर हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोलिक सर्किट से पूरा जो जिसकी वजह से हमारी ब्रेक अप्लाई होती है, तो वो प्रेशर जो है उसको हमको कंट्रोल करना है. ठीक है, तो कितना मतलब क्या वैल्यूज है ब्रेक फोर्स की, मैक्सिमम ब्रेक फोर्स कितना है, तो वो सब हम आज जो है वो पूरा इक्वेशन हम डिराइव करने वाले. ठीक है, तो सबसे पहले हम कह देते हैं कि हमारी जो व्हीकल है, कार है, वो स्टेटिक कंडीशन में यहाँ पे खड़ी है. ये हमारा फ्रंट साइड होगा, ये हमारा रियर साइड. ठीक है, तो ये जो नॉर्मल जो रिएक्शन जाएगा यहाँ पे, मैं WFS और ये WRS, S मेरा नोट कर रहा है कि स्टेटिक कंडीशन में खड़ा हूं. ठीक है, तो ये फ्रंट एक्सल लोड स्टेटिक कंडीशन में और ये रियर एक्सल लोड स्टेटिक कंडीशन में, तो उसका फॉर्मूला जो है आपको पता है. ठीक है, और ये हमने डिराइव भी किया हुआ है. ठीक है, तो आप ये प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस में उसको देख सकते हो. तो WFS मेरा हो जाएगा फ्रंट स्टेटिक लोड, फ्रंट एक्सल स्टेटिक लोड, वो है WC/L. ठीक है, सेम अगर मैं रियर में जाता हूं, मेरा फॉर्मूला है WB/L. C और B के बारे में आपको बताया, अगर ये मेरा CG है तो फ्रंट एक्सल से मेरा जो डिस्टेंस है वो मैं B ले रहा हूं, रियर एक्सल है उसको मैं C ले रहा हूं, और टोटल व्हील बेस जो है मेरा L. ठीक है, ये सब आपको पता है, आपने पहले देखा हुआ है वीडियो. ठीक है, तो अगर अब मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूं और मेरा वेट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला मेरे पास है वेट ट्रांसफर, ये भी हमने डिराइव किया हुआ है. क्या हो जाएगा, W/G (H/L)(dAcceleration). ठीक है, तो बेसिकली जब हमारा डीएक्सेलरेशन रेट बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा कि सपोज कि मैं पैनिक ब्रेकिंग कर रहा हूं, ठीक है, मैंने ब्रेक फोर्स ज्यादा अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, डीएक्सेलरेशन रेट मेरा बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से ब्रेक ट्रांसफर रेट आपका बढ़ जाएगा. ठीक है, तो मेनली डिपेंड करता है कि डीएक्सेलरेशन रेट, डीएक्सेलरेशन आप कितना कर रहे हो उसमें. तो डीएक्सेलरेशन किस पे डिपेंड है कि आप ब्रेक फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, तो ये हमारा वेट ट्रांसफर है. अभी मान लो मुझे डायनेमिक लोड चाहिए, मतलब फ्रंट में, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं WF, S मैं हटा दिया क्योंकि मैं अब डायनेमिक कंडीशन में आ गया हूं. तो ये जो मेरा फ्रंट में क्या हालत होगी कि स्टेटिक तो है ही, ठीक है, तो ये मैंने स्टेटिक लिख लिया. स्टेटिक लोड तो हमेशा रहने वाला, मैं प्लस टू कर रहा हूं, जो वेट है मेरा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहां पर ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, तो प्लस कितना ट्रांसफर होगा, W/G (H/L)(dAcceleration). ठीक है, सेम चीज मैं अगर WR फाइंड कर रहा हूं डायनेमिक कंडीशन में, डायनेमिक एक्सल लोड फॉर द रियर. ठीक है, तो ये यहां पे स्टेटिक और यहां से वेट माइनस होगा क्योंकि वेट कहां पे आ रहा है, मेरा आगे वेट आ रहा है, तो पीछे से माइनस हो गया. ठीक है, तो कितना माइनस होगा, सेम अमाउंट W/G (H/L)(dAcceleration). ठीक है, तो अभी ये मेरा एक्सल लोड मुझे मिल गया. अभी मुझे ब्रेकिंग फोर्स अगर फाइंड करना है तो आपको सिंपली पता है कि ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन है, ये ब्लॉक है. ठीक है, ये सरफेस पे हमने मूव करा रहे इसको, तो ये नॉर्मल एंड मेरा और फ्रिक्शन. अभी मैं यहां पर ट्रैवल करूंगा इसको, अगर मैं स्लाइड कर रहा हूं तो फ्रिक्शन कितना मुझे ऑफर होगा, μ/N आपको पता है. ठीक है, तो मुझे ये रोकने ब्रेक करने के लिए जो मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स चाहिए, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, और मैं यहां पे लिख रहा हूं FXMF. ठीक है, x नोट कर रहा है हमारा जो x डायरेक्शन है, मतलब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन था हमारा. ठीक है, m फॉर मैक्सिमम,
और ये हमारा जो मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स उसके लिए, ठीक है, FXMF, ओके, तो वो मेरे पास बन जाएगा, मुझे म्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, जो पीक कोफिशिएंट है हमारा, म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो म्यू पी डब्ल्यू एफ एस प्लस डब्ल्यू बाय जी इंटू एच बाय एल और डी एक्सेलरेशन रेट, ठीक है। सेम कंडीशन मुझे अगर रियर में फाइंड करना है तो एफ एक्स एम आर इज इक्वल टू रियर में, रियर एक्सल में मुझे मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स कितना चाहिए वो सिंपली यहां पे भी मैं क्या करूंगा, म्यू अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, सिंपल फंडा यही है, बेसिक तो ये क्लियर है अपना, ठीक है। तो म्यू पी डब्ल्यू आर एस माइनस डब्ल्यू बाय जी इंटू एच बाय एल इंटू डी एक्सेलरेशन रेट, ठीक है। तो ये मेरे पास ये मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स है मेरे पास, ठीक है। अभी यहां पे अब इसकी जरूरत नहीं है तो हम मिटा देते हैं, अभी ये फॉर्मूला आप देख सकते हो कि मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स एट फ्रंट एक्सल, ठीक है, ये वाला, तो वहां पे ये स्टैटिक लोड आ गया मेरा, फिर ये मेरा वेट जो ट्रांसफर हो रहा है वो आ गया, पर यहां पे रियर एक्सल में जो भी नॉर्मल फोर्स है अभी हमको क्या प्रपोज नहीं करना है, तो फ्रंट का तो ठीक है अपने पास मैक्सिमम वैल्यू आ गया, ठीक है, पर रियर में क्या हो रहा है, रियर का कितना ब्रेकिंग फोर्स है, ट्रैक्शन जो था, ठीक है, उसको भी हमको रिड्यूस करना है, अगर मतलब रियर एक्सल में अपने ड्राइव करा रहे तो दोनों की जो ट्रैक्शन कंडीशन है उसको भी हमको रिड्यूस करना है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में कहीं पे भी रियर ब्रेकिंग फोर्स है वो हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि वो दोनों कंडीशन हमको मैच कराने, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं प्रपोजिंग की बात करें, ठीक है, तो हमको अगर फ्रंट एक्सल लोड गिनना है तो रियर का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अगर रियर में हमको गिनना है मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स तो फ्रंट का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो भी लोड है, ठीक है। तो हम पहली कंडीशन लेते हैं, मान लो मैं डी एक्सेलरेशन रेट मुझे चाहिए, मैं फ्रंट की बात करता हूं, तो फ्रंट में अगर मेरा मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स है FXM, ठीक है, तो रियर में जो भी मेरा बेसिकली एफ आपको एफबीडी पता है, तो FXR और FXF ये आपको पता है, ठीक है। तो रियर में जितनी भी रिक्वायरमेंट मेरी जनरेट होती है वो ही मैं ले रहा हूं, जितनी रिक्वायरमेंट है वो, यहां पे मैं क्या ले रहा हूं मैक्सिमम, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है यहां पे FXR, रियर में जो नॉर्मल फोर्स मुझे चाहिए वो जो रोकने के लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो ये हो गया, ये भी आपको पता है F is equal to ma, m, F is equal to m into a, a की जगह मैं क्या लिखता हूं re-acceleration rate, तो ये भी फॉर्मूला आप बना सकते हो। तो अभी हमको और रियर में भी बात कर लूं, ये मैंने फ्रंट में मैक्सिमम गिना, ठीक है, अगर रियर में अपने जाएंगे तो सिंपल यहां पे मैं नॉर्मल ले रहा हूं फोर्स F, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो वाला FXF प्लस FXM मैक्सिमम, अभी कहां ले लिया मैंने रियर में, जो भी मैंने बोला वो रियर के लिए भी अप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय M, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमको ये फॉर्मूला ये चाहिए FXM, और ये भी यहां पे हमारी वैल्यू है, तो सिंपल क्या करो, जो डीएक्सेलरेशन है ना, ठीक है, उसकी वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते, इसको बदल देते, रिप्लेस कर देते, तो FXMF, ठीक है, फ्रंट मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स, तो म्यू पी अंदर क्या है मेरे पास डब्ल्यू एफ एस प्लस डब्ल्यू बाई जी एच बाई एल इंटू अभी डी एक्सेलरेशन की जगह ये एफ एक्स एम एफ प्लस एफ एक्स आर डिवाइडेड बाय एम, ये मैंने यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी आप देख पा रहे हो कि डब्ल्यू बाई जी हमारा क्या होगा, एम ही होगा ना, मास ही होगा ना, तो यहां पे भी मास है, यहां पे भी मास, तो ये दोनों कट हो चुके, ठीक है। अभी हमको FXM का फॉर्मूला चाहिए, तो मैं क्या करता हूं म्यू पी यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों के पास, ठीक है, तो FMF म्यू पी, ये मेरा पीक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, म्यू पी इंटू डब्ल्यू एफ एस प्लस ये मेरा हो जाएगा म्यू पी एच बाय एल, और ये वाला यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर से ये तीसरा जो टर्म है मेरा
mu p h by l into fx r, ठीक है। सिंपल मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। तो अभी ये जो टर्म है मेरा, यहां पे भी मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स है, तो यहां पे मैं ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो वहां पे मैं कॉमन निकाल देता हूं, अगर एफ एक्स एम एफ कॉमन निकाल दिया मैंने, तो यहां पे क्या बचेगा, वन माइनस क्या होगा यहां पे, म्यू पी इंटू एच बाय एल, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है, ये वाली टर्म मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, वहां से मैं कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या बच गया मेरे पास, यहां से मैं म्यू पी जो है वो कॉमन ले लेते अपने, ये दोनों में से, यहां से और यहां से म्यू पी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बच गया अंदर, डब्ल्यू एफ एस और प्लस एच बाय एल इंटू एफ एक्स आर, ठीक है। तो सिंपली अब अगर इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरे पास क्या रह जाता है, एफ एक्स एम एफ फ्रंट मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स की जो वैल्यू आ रही है फाइनली हमारे पास, म्यू पी डब्ल्यू एफ एस प्लस एच बाय एल इंटू एफ एक्स आर, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये टर्म मेरी डिवाइड में चली जाएगी, वन माइनस म्यू पी इंटू एच बाय एल, ठीक है। तो ये जो मेरा जो फॉर्मूला बना, ये जो मेरी वैल्यू है वो इंडिकेट करती है मेरा फ्रंट मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है, जो मुझे मैक्सिमम फोर्स चाहिए व्हील को लॉक करने के लिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, हमारा स्टैटिक फोर्स है, अभी हमारे पास ये एच बाय एल जो रियर का भी ब्रेकिंग फोर्स हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया फ्रंट ब्रेकिंग फोर्स, मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स के लिए, ठीक है। अभी सेम चीज आप ये जो डीएक्सेलरेशन की वैल्यू है, ये वाली जो टर्म हमने कैलकुलेट की है यहां पे, ये यहां पे रखिए आप रियर के लिए, ठीक है। तो सेम आप जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यहां पे ये नेगेटिव साइन आएगी यहां पे, क्योंकि हमारे पास यहां पे पीछे से माइनस हो रहा है, और यहां पे आपको मिलेगा प्लस वैल्यू, और ये हो जाएगा fxr मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स फॉर द रियर एक्सल। तो ये आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन से अगर कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है, तो हमने जाना कि क्या है भाई कि ब्रेकिंग प्रपोजनिंग, ठीक है, अलग अलग कंडीशन है, तो दोनों लोड जो आपके पास है वो हमने डिराइव किए, ठीक है। तो अगर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आपके जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है, उसमें शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।